यूक्रेन के वॉर जोन में उत्तर प्रदेश के हजारों बच्चे फंसे हुए हैं। इसी कड़ी में रामपुर के कैमरी क्षेत्र के किसान राजेंद्र प्रसाद शर्मा का इकलौता बेटा संजय दत्त शर्मा का नाम भी जुड़ गया है। संजय दत्त शर्मा MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया था। अब भीषण युद्ध में फंस जाने के बाद शर्मा परिवार में चिंता की लहर दौड़ गई है। शर्मा परिवार सरकार से अपने बेटे को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगा रहा है। संजय दत्त शर्मा की मां संतोष ने बताया कि बेटे से उनकी बात हुई है। संतोष ने भारत सरकार से संजय को जल्द से जल्द घर वापस लौटाने की अपील की है। उससे बात हुई थी 3 बजे। वो बता रहे थे अबे तो मम्मी हम ठीक हैं, सही हालात हैं हमारी जगह, आप घबराओ मत, हम जल्द आएंगे 1 तारीख को। फ्लाइट अगर मतलब कैंसिल हो गई है, इसलिए 1 तारीख को तो हमारी फ्लाइट है, हो सकता है मोदी जी चलवाएंगे, बुलाएंगे हमारे लिए। बस हमारा यही अनुरोध है, हमारे बस बच्चा हमारे वापस हमारे घर पर आ जाए, और बस कुछ ना। हम परेशानी तो बस वो ही है, बच्चे की तो परेशानी है ही, टीवी देखते हैं, बस देख कर थोड़ा सा काम कर लेते हैं फिर टीवी देखने लगते हैं, उसी पे है निगाह हमारी। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार से? भारत सरकार से बस यही अनुरोध है, हमारा बच्चा हमें मतलब वापस कर दे, कैंसिल जो कैंसिल हो गई है मतलब फ्लाइट उसे चालू कर दे, और बस जो रेंट है उन बच्चों का भला हो जाए। हमारे बच्चे का तो टिकट हो गया, और बच्चे हैं हमारे भारत के वो भी आ जाएं समर के, बस यही अनुरोध है हमारा। आखिरी बार आपकी बात हुई तो क्या बता रहा था, क्या हालात बता रहे हैं? ये बता रहे थे वो तो हम भी देख रहे हैं, हम उससे अपने बच्चे से कुछ कहते नहीं हैं कि हम ये देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं, वो हमसे यही कहते हैं बेटा मम्मी घबराओ मत, बस ठीक है, वो तो ये कह देती है जाकर, इसलिए कि हमारी मम्मी घबराएंगी, लेकिन हम तो टीवी पे देख रहे हैं, हम भी बच्चे से नहीं कह पा रहे हैं कि मतलब हम ये देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं, और सब बच्चे जब आते हैं टीवी पे उसको भी देखते हैं, बच्चे कह रहे हैं गुहार लगा रहे हैं मोदी जी से, अब थोड़ा अनुशासन दिया है कि मतलब मोदी जी बात करेंगे उसका और दिया है। कितने बेटे हैं? एक बेटा है एक बेटी है। वहीं संजय के पिता राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि यूक्रेन में फंसे छात्र किसी भी तरह से वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अभी उनके पास बाहर निकलने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। 2019 से बच्चा गया हुआ था, जिसमें 2 साल बाद जून की छुट्टी में आया था, अगस्त 10 तारीख 2021 को चला गया, वहां से MBBS कर रहा। क्या हालात है, कब कैसे फंसे हैं, पूरी बात बताइए क्या है हालात। वहाँ स्थिति ज़्यादा नाजुक है, एयरपोर्ट पर बम धमाके हो रहे हैं, इसलिए बच्चों में वहाँ बहुत दहशत है, धीरे धीरे वहाँ की सेनाएं अंदर प्रवेश होती जा रही हैं, दूतावास वहाँ के बच्चों से संपर्क बनाए हुए हैं, वहाँ के दूतावास ने अपने हेल्पलाइन नंबर ईमेल आईडी हर बच्चों को वहाँ दे रखी है, कोई परेशानी कोई समस्या तो इस नंबर पर संपर्क करें। बच्चों का संपर्क उस नंबर से बराबर दूतावासों से हो रहा है, दूतावास ने आश्वासन दिलवाया है आज की न्यूज़ कि कल शाम तक नरेंद्र मोदी जी इसमें वार्तालाप कर सकते हैं, कल शाम तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कल के बाद पता चलेगी कल शाम के बाद कि परसों क्या होने वाला है, और जो फ्लाइटें चालू हुई थी वो फ्लाइटें सुबह रात्रि 5 बजे रद्द कर दी गई, इसमें कुछ बच्चे वापसी वहाँ से अपने अपने स्थान को चले गए, कुछ बच्चे वहाँ बाहर अपने अपने कमरों से बैग लेकर बताते हैं कि बाहर खड़े हैं कि कैसे निकलें क्या करें। यूक्रेन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। गुरुवार रात फोन पर हुई बातचीत में पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों और उनकी सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। इसके अलावा पुतिन ने पीएम मोदी को ताजा हालात की जानकारी भी दी है। पीएम मोदी ने पुतिन से हालात का समाधान बातचीत से करने की अपील की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।